आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी सांचित होकर दोनों हाथ गोद में नेत्र बंद गायत्री महामंत्र सात सात स्वस्व दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्य का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। यज्ञोपवीत का रहस्य, यज्ञोपवीत की महान उपयोगिता, इसके स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। इसके आगे का आज हम स्वाध्याय देखेंगे। सरकारी कर्मचारी के पद की पहचान के लिए धातु के बने अक्षर मिलते हैं, जो कि कंधे या सीने पर कपड़ों में लगा दिए जाते हैं। यह धातु के अक्षर बाजारों कीमत से दो चार आने के ही हो सकते हैं, पर वे कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें लगा लेने पर और उतार देने पर उनको जनता कितने अंतर से पहचानती है। यज्ञोपवीत भी एक ऐसा ही प्रतीक है जो बाजारू कीमत से भले ही दो चार पैसे का हो, पर उसके पीछे एक महान तत्वज्ञान जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जनेऊ पहनना कंधे पर एक डोरा लटका लेना है, वरन इस प्रकार सोचना चाहिए कि मनुष्य की दैवी जिम्मेदारियों का एक प्रतीक हमारे कंधे पर अव्यवस्थित है। पत्थर की प्रतिमा को मध्यस्थ बनाकर हम सर्वव्यापी अनंत शक्तियों और गुणों से संपन्न परमात्मा को अपने सम्मुख उपस्थित देखते हैं। उस मूर्ति को देखकर हमारी अंतः चेतना ऐसा अनुभव करती है मानो साक्षात भगवान से हमारा मिलन हो रहा है। यद्यपि इस प्रकार की प्रभु पूजा में भावना प्रधान और प्रतिमा गौण है, तो भी प्रतिमा को ही यह श्रेय देना पड़ेगा कि वह भगवान की भावनाओं का उद्रेक और संचार विशेष रूप से हमारे अंतःकरण में करती है। यो कोई चाहे तो चाहे जब चाहे जहां भगवान को स्मरण कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। पर मंदिर में जाकर प्रभु प्रतिमा के सम्मुख अनायास ही जो आनंद प्राप्त होता है, वह बिना मंदिर में जाए चाहे जब कठिनता से ही प्राप्त होगा। गंगा तट पर बैठकर जो पवित्र भावनाएं उत्पन्न होती है, वे हर स्थान पर मुश्किल से ही हो सकती है। इसी प्रकार यद्यपि बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए भी देवी भावनाएं कोई मनुष्य बेरोक टोक अपने मन में उत्पन्न कर सकता है, पर इस परम पवित्र दिव्य भावना संपन्न सूत्र को माध्यम बनाकर हर समय कंधे पर धारण किए रहकर जितना अपने उत्तरदायित्व को स्मरण रखना सुगम है, उतना उसे बिना धारण किए सुगम नहीं। इसी दृष्टि से हमारे आचार्यों ने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबियों को यह आदेश दिया कि वह द्विजत्व की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधे पर अनुभव करे और जिस प्रकार किसी बात को याद रखने के लिए कपड़े में गांठ लगाकर स्मरण रखने का माध्यम नियुक्त कर लेते हैं, उसी प्रकार कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करके सदा इस बात का स्मरण रखें कि हमने शपथपूर्वक द्विजत्व की जिम्मेदारी को कंधे पर धारण किया हुआ है। यह पूछा जाता है कि मन में कोई बात हो तो उसी से सब कुछ हो सकता है, इसके लिए बाह्य चिन्ह धारण करने की क्या आवश्यकता। जब मन में द्विजत्व ग्रहण करने के भाव मौजूद हो तो उसका होना ही पर्याप्त है, फिर यज्ञोपवीत क्यों पहने। और यदि मन में इस प्रकार की भावना नहीं है तो जनेऊ पहनने से भी कुछ लाभ नहीं। मोटे तौर से यह तर्क ठीक प्रतीत होता है, परंतु जिन्होंने मनुष्य की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इस तर्क में कितना कम तथ्य है। बुराई की ओर
अधर्म की ओर, पाश्विक भोगों की ओर मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है। इस ओर मन अपने आप चलता है, पर उसे त्याग के, संयम के, धर्म के मार्ग पर ले चलने के लिए बड़े बड़े कष्ट साध्य प्रयत्न करने पड़ते हैं। पानी को बहाया जाए तो वह जिधर नीची भूमि होगी, वह बिना किसी प्रयत्न के अपने आप अपना रास्ता बनाता हुआ बहेगा। निचाई जितनी अधिक होगी उतना ही पानी का बहाव तेज होता जाएगा, परंतु यदि पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यह कार्य अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए तरह तरह के साधन जुटाने पड़ेंगे। नल, पंप, टंकी आदि का कोई माध्यम लगाकर उसके पीछे ऐसी शक्ति का संयोग करना पड़ता है जिसके दबाव से पानी ऊपर चढ़े। दबाव देने वाली शक्ति तथा पानी को ऊपर ले जाने वाले साधन यदि अच्छे हुए तो वह तेजी से और अधिक मात्रा में ऊपर चढ़ता है। यदि यह साधन निर्बल हुए तो पानी के चढ़ने की गति भी मंद हो जाएगी। यही बात जीवन को उच्च मार्ग में लगाने के संबंध में है। यदि धर्म मार्ग में, सिद्धांत में, उच्च पथ में प्रगति करनी है तो उसके लिए ऐसे प्रयत्न करने पड़ते हैं जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए करने होते हैं। 16 संस्कार, नाना प्रकार के धार्मिक कर्मकांड, व्रत, जप, पूजा अनुष्ठान, तीर्थयात्रा, दान, पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग ऐसे ही प्रयोजन हैं जिनके द्वारा मन को प्रभावित, अभ्यस्त और संस्कृत बनाकर द्विज्योत की ओर बढ़ाया जाता है। इन सब का उद्देश्य केवल मात्र इतना ही है कि मन पाश्विक वृत्तियों से मुड़कर दिव्यत्व की ओर अग्रसर हो। यदि ऐसा करने अपने आप ही सरलता पूर्वक हुआ तो यज्ञोपवीत को व्यर्थ बताने वाले तक को स्वीकार करने में किसी को कुछ आपत्ति न होगी। उस दशा में यह पृथ्वी ब्रह्मलोक होती है और वैसा समय सतयुग कहा जाता। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।